ऑडियो 11 पुस्तक का नाम मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सभी प्रकार की बाह्य व्यवस्था नियंत्रण आदि स्थायी नहीं होते। दंड चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक या प्राकृतिक ही क्यों न हो, कई मनुष्य इन सबको जानते हुए भी अपराध वृत्ति अनुशासनहीनता नहीं छोड़ते। चोर, बदमाश, स्वेच्छाचारी व्यक्ति कई बार सामाजिक या प्राकृतिक दंड पाकर भी बुराई के मार्ग को नहीं छोड़ते। जब तक जियो, खाओ पियो मौज उड़ाओ की नीति तो प्रकृति के दंड को भी महत्व नहीं देती। सुधार का मूल आधार मनुष्य की अनुशासनहीनता की विभिन्न वृत्तियों को आंतरिक संवेदनाओं से मिलने वाली शक्ति उत्तेजना के बंद होने से है, और इसका रास्ता आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन, आत्मशोधन में ही है। आंतरिक जीवन में काम कर रहे सूक्ष्म भाव, विचार, वृत्तियों का शोधन, उनमें संतुलन कायम करना अनुशासन का मूल आधार है। कई अवसरों पर मनुष्य नहीं चाहता कि वह सामाजिक अनुशासन भंग करे, निम्न वृत्तियों को अपनावे। वह नहीं चाहता कि किसी से लड़े, किंतु इस तरह की परिस्थितियां आते ही बेकाबू होकर उनमें उलझ जाता है। अतः जीवन में पूर्ण रूपेण अनुशासन कायम करने के लिए आंतरिक जीवन में सुधार और अनुशासन कायम करना वांछनीय है। मनुष्य को अनुशासन सिखाने के बाह्य उपाय इस संबंध में सहयोग अवश्य देते हैं, किंतु समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर सकते। आत्मानुशासन ही अंतर बाह्य जीवन में अनुशासन स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है। नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। मनुष्य की नैतिक सीमाएं ही उसकी सफलता की सीमा है। यह इतना स्पष्ट सत्य है कि किसी व्यक्ति के नैतिक स्तर की जानकारी करके उसकी सफलता या असफलता का सही सही परिणाम उसी तरह बताया जा सकता है जैसे गणित के सिद्धांतों के आधार पर किसी सवाल का उत्तर। जिस तरह आकाश में फेंकी गई वस्तु का जमीन पर लौट आना सत्य है, उसी तरह अच्छा या बुरा काम भी लौट कर कर्ता पर ही आता है। प्रत्येक अनैतिक कार्य का परिणाम पराजय, असफलता, लक्ष्य से दूर हट जाना ही होता है। इसके विपरीत प्रत्येक नैतिक कार्य समृद्धि, सफलता और लक्ष्य प्राप्ति के सुंदर भवन का निर्माण करता है। किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्थान उनकी नैतिक शक्ति और ज्ञान के विकास से ही होता है। इसके विपरीत नैतिक पतन ही पराभव का तथा पतन का मुख्य कारण है। अनैतिकता ही विनाश का दूसरा नाम है। नैतिकता सर्वत्र निर्मात्री धात्री का काम करती है। कोई भी बुरा काम करने पर मनुष्य का हृदय धक धक करने लगता है, रक्त संचार बढ़ जाता है, उसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं, शरीर में पसीना आने लगता है, ऐसा लगता है मानो कोई रोक रहा है। कोई भी बुरा काम करने पर आत्मभर्त्सना होने लगती है। मनुष्य का मन आत्मग्लानी, पश्चाताप में डूब जाता है। यह सब नैतिक भाव के कारण ही होता है जो उसके अंत क्षेत्र में। यह नैतिकता का भाव मनुष्य के बाह्य मन की वस्तु नहीं। नैतिकता की आवाज को तर्क, बुद्धि, चातुर्य शांत नहीं कर पाते। नैतिकता ही चेतना का अंग है जो किसी कृत्रिम प्रयत्न का परिणाम नहीं, वरन जीवात्मा के एक लंबे समय के संस्कार, अभ्यास और सृष्टि में काम कर रहे दैवी विधान का व्यापक नियम है। नैतिकता की अवहेलना करने पर सामाजिक अथवा राजनैतिक न्याय व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को विभिन्न रूपों में दंड प्राप्त होता ही है। सरकार और समाज के दंड से मनुष्य किसी प्रकार बच सकता है, किंतु नियति के विधान से नहीं बच सकता। जिसका निर्णायक कहीं बाहर नहीं, मनुष्य के स्वयं के भीतर ही, स्वयं के अंदर ही विद्यमान होता है, उसके चारों ओर भी, सर्वत्र ही। इसके अनुसार मनुष्य कई शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहन करता है। आंतरिक अथवा बाह्य परिस्थितियों की उलझनों, विपरीतताओं में
जो क्लेश, कष्ट, दुखद अनुभूतियां होती हैं, वे उक्त दोनों प्रकार के बाह्य दंडों से भी अधिक कष्टकारक हैं। नैतिक भाव अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध आचरण करने पर मनुष्य की आत्मभर्त्सना होने लगती है, जिससे मानसिक शक्तियां, इच्छा शक्ति निर्बल होने लगती है और मनुष्य दीन बन जाता है। आंतरिक जीवन की ही छाया मनुष्य के बाह्य जीवन पर पड़ती है। इस तरह अंतर्बाह्य सभी प्रकार से मनुष्य दीनहीन बन जाता है। मनुष्य अपनी चालाकी, शब्द चातुर्य एवं विविध प्रयत्नों से अपने अनैतिक कार्यों को छिपाने का असफल प्रयास करता है। बाह्य जगत में वह सफल भी हो सकता है, किंतु नियति को धोखा नहीं दे सकता। कई बार मनुष्य अपनी धर्म बुद्धि, नैतिक आवाज को दबाने, पाप को भुलाने के लिए अनमन चाहे तर्क और विचारों का अवलंबन लेता है और अपने आचरणों के औचित्य को सिद्ध कर मन में संतुष्ट होने का प्रयत्न करता है, किंतु नियति का नियम दूसरे ही ढंग से पाप के दंड और उसके प्रकाशित होने का मार्ग बना देता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दुख, शोक, हानि, पीड़ा, क्लेश की आड़ में मनुष्य के अनैतिक कार्यों का परिणाम मिलता है। दूसरों की नींद हराम करने वाला चैन से सो नहीं सकते। चोर, लुटेरे, गुंडे, तस्करों को घर बसाकर सुख शांति का जीवन बिताते नहीं देखा जाता। आज नहीं तो कल देर सवेर में अनैतिकता का परिणाम दुखदायी और विनाशकारी ही होता है। यदि मनुष्य नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता रहे तो जीवन में आने वाली अनिश्चित घटनाओं, तूफान, उलझनपूर्ण समस्याओं में भी संपूर्ण सुरक्षा, शांति, विश्वास के साथ ही जीवन में समृद्धि, विकास प्राप्त कर सकता है।